रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं करवा बदलते हैं, जज्बा रखे हरदम जीतने का मेरे दोस्त, क्योंकि किस्मत चाहे बदले या ना बदले वक्त जरूर बदलता है। तो आप सभी का स्वागत है अपने चैनल जी एजुकेशन वर्ल्ड में। तो आज हम लोग सर पढ़ने वाले हैं क्लास 3 यानी न्यूमेरिकल्स आज देखेंगे, और न्यूमेरिकल्स में आज देखेंगे कार्य शक्ति और एनर्जी से जितने भी आज मैं प्रश्न लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए आज का देखते हैं पहला प्रश्न क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि 20 न्यूटन का एक बल, बोलता है कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है, 20 जूल कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच कोण क्या होगा। ठीक है सर, तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है 20 न्यूटन का बल यानी F बराबर, बल यानी फोर्स, F बराबर आपका हो जाएगा 20 न्यूटन, 20 न्यूटन आपका हो गया। किसी वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है, विस्थापित यानी डिस्प्लेसमेंट, इसको सर S से सूचित करते हैं, तो S बराबर आपका हो गया 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर आपका हो गया। और पूछता है कि 20 जूल कार्य करता है, 20 जूल यानी कार्य कहने का मतलब है कि W बराबर, जो आपका वर्क यानी काम हो रहा है, 20 जूल कार्य करता है, तो W बराबर लिखेंगे, W बराबर हो गया आपका 20 जूल। ठीक है, W बराबर 20 जूल। तो देखिए अब इस पर बनाना बोल रहा है कि बल और विस्थापन के बीच कोण ज्ञात करना है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर F गुना S गुना cos थीटा, कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अब देखेंगे कैसे बनाएंगे। W का मान कितना दिया गया है, 20 जूल, तो W यहाँ लिख दीजिए 20 जूल बराबर F, F का वैल्यू कितना है यहाँ पर है 20 न्यूटन, यहाँ पर आप 20 लिख दीजिए। ठीक है, गुना S कितना दिया गया आपका, S हो गया आपका 2 मीटर, तो यहाँ पर हम 2 लिख दिए, गुना कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे इसको, ये 20 और ये 20 कट गया। ठीक है, एक बार में आपका ये कट गया, आपका क्या बच गया, 1 बराबर 2 cos थीटा। तो अब देखिए क्या करना है इसमें, 1 बराबर 2 cos थीटा, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 बाई 2। ठीक है, इसलिए cos थीटा बराबर 1 बाई 2। अब किसका मान होता है, तो cos 60 का मान होता है 1 बाई 2, cos 60 लिख देंगे यहाँ पर, cos 60 लिख दी। ठीक है, अब देखिए ये cos और ये cos आपका कट गया, तो अब क्या बच गया है, थीटा बराबर आपका हो गया 60 डिग्री, थीटा बराबर आपका 60 डिग्री, तो यही आपका आंसर हो गया 60 डिग्री, जो कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो आप समझ गए होंगे, और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। अगर आपको सर समझ में आता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। बोलता है कि यदि एक हवाई जहाज़ 4000 मीटर की दूरी तय करता है, यानी 4000 मीटर की दूरी तय करता है, और किया गया कार्य बोलता है कि 20 जूल है, यानी एक हवाई जहाज़ 4000 मीटर की दूरी तय करता है और 20000 जूल है, यानी 20 जूल किया गया कार्य 20000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। इसमें F बराबर ज्ञात करना बल क्या होता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें हो गया 20 जूल कार्य करता है, यानी W बराबर 20000 जूल, W बराबर हो गया आपका 20000 जूल, और यहाँ पर क्या है सर कि दूरी तय करता है, यानी T बराबर आपका हो जाएगा, T बराबर 4000 मीटर। ठीक है, 4000 मीटर, तो बोलता है कि बल ज्ञात कीजिए, इसे F बराबर क्या हो जाएगा, तो F बराबर हम क्या जानते हैं, F बराबर आपका हो जाएगा W बाई टी, इसलिए F बराबर आपका हो जाएगा, W का मान कितना दिया गया है, 20000 दिया गया है, और T का मान कितना है, 4000। ठीक है, 4000 हो गया आपका। अब इसको काट दीजिए, 1, 2, 3 कट गया, अब बच गया 4 पचे 20, इसलिए F बराबर आपका हो गया 5 न्यूटन आंसर। ठीक है, 5 न्यूटन आपका आंसर हो गया। तो आप समझे होंगे कितना ऑप्शन नंबर है सर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। ठीक है, तो अब चलते हैं सर प्रश्न नंबर तीसरे नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है कि 5 मीटर पर सेकेंड की गति से गतिशील
22 केजी वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है सर, यानी 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील है। ठीक है, तो पूछता है कि 22 केजी वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। हमको सर इसमें गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, बोलता है कि 22 केजी वजन, तो 22 केजी वजन यानी एम बराबर आपका हो गया, एम बराबर आपका हो गया 22 केजी। ठीक है, एम बराबर 22 केजी। और पूछता है कि 5 मीटर पर सेकंड की गति से, यानी भी बराबर हो गया 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो बोलता है कि गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर आपका हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर आपका हुआ। ठीक है, तो देखिएगा क्या है, काइनेटिक एनर्जी बराबर यानी गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 इंटू में एम भी इंटू का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बनाएंगे कैसे, काइनेटिक एनर्जी बराबर, अब जब देखिएगा 1/2 इंटू एम का वैल्यू कितना दिया गया है, 22, यहाँ पर हम 22 लिख दीजिए। ठीक है, गुना भी का वैल्यू कितना दिया गया है, 5, तो यहाँ पर हम 5 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 5 × 5, क्योंकि भी का स्क्वायर है तो 5 × 5 कर दिए। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको सर काट देंगे, एक दो से काट देंगे, कितना बार में कटेगा, 11 बार में। ठीक है, तो आपका हो गया 11×55 गुना कर दीजिए, 11×5×5। ठीक है, तो 11×55 और 55×5 आपका कितना हो गया, 275 जूल हो गया। ठीक है, 275 जूल आपका आंसर हो गया, कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो आप पीछे सर समझे होंगे, अब चलते हैं कि क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 केजी है, तो वस्तु का वेग ज्ञात करें। इसमें हमको ज्ञात करना था गतिज ऊर्जा, और यहाँ पर दे दिया है गतिज ऊर्जा 120 जूल, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर, यानी के ई बराबर आपका हो जाएगा 120 जूल, और द्रव्यमान यानी मास दे दिया गया है 15 केजी, एम बराबर आपका हो जाएगा 15 केजी, एम बराबर आपका 15 केजी, तो वस्तु का वेग यानी कि भी बराबर क्या हो जाएगा, वाट। तो सर हम क्या जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर यानी के ई बराबर हाफ एम भी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर आपका हो गया कितना, 120 जूल, तो यहाँ पर 120 जूल लिख दिए। ठीक है, 1/2 इंटू एम का वैल्यू कितना दिया गया है, 15 केजी, तो 15 केजी आप यहाँ लिख दीजिए, गुना भी का स्क्वायर, तो भी तो आपका दिया नहीं है, तो भी का भी स्क्वायर यहाँ पर आप लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए 120 जूल, अब क्या करेंगे, 15 से काट देते हैं इसको, 15×8 कितना हो गया आपका, 120, 15×8 120, इसलिए आप क्रॉस गुना करेंगे तो 8×16 बराबर आपका हो जाएगा भी स्क्वायर, भी स्क्वायर आपका हो जाएगा 8×16 बराबर भी स्क्वायर। ठीक है, इसलिए भी बराबर 16 का वर्ग कितना होता है सर, 4 आपका हो जाएगा। ठीक है, इसलिए भी बराबर आपका 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, भी बराबर 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आप समझे होंगे, और मुझे लगता है कि आपको आज मैं जितना भी प्रश्न बताएं आपको सभी प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज इतने ही रहने देते हैं, और मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में कुछ अलग प्रश्नों के साथ। तो आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं, जय हिंद जय भारत।